गायनेकोमेस्टिया मेडिसिन, क्या गायनेकोमेस्टिया की कोई मेडिसिन है? गायनेकोमेस्टिया कोई दवाई उसे ट्रीट हो सकता है? कई बार होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, कई सारे लोग क्लेम करते हैं कि गायनेकोमेस्टिया दवाई उसे मिट सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? आज हम ये जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अर्थ शाह, एमसीएच प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम ग्रेड 2 गायनेकोमेस्टिया ऑपरेट कर रहे हैं, आज एजुकेशनल वीडियो हम बना रहे हैं कि क्या गायनेकोमेस्टिया दवाइयों से ट्रीट करना मुमकिन है या नहीं। बेसिकली आयुर्वेदा में कई बार बोलते हैं कि आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन लो जिससे आपका ये गायनेकोमेस्टिया ट्रीट हो सकता है। कई बार होम्योपैथी की मेडिसिन आती है R19, R70, 80, बहुत अलग अलग तरीके की मार्केट में दवाइयां बोली जाती है कि आप वो लो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 3 महीना, 6 महीना, इवन 2-2 साल तक मेडिसिन लिया हुआ होता है, इनको इतना भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, तो गायनेकोमेस्टिया ये ग्लैंड बढ़ता है, ये स्तन का जो ग्रंथि है वो बढ़ता है, वो कभी भी फैट नहीं बढ़ता है। आप देखोगे तो ये फैट है, ये सॉफ्ट होता है कंसिस्टेंसी में एंड ये हार्ड होता है कंसिस्टेंसी में। ये स्तन की ग्रंथि है, इसको इंग्लिश में ब्रेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। अभी ऐसी दुनिया में कोई भी दवाई नहीं ढूंढी गई है जिससे ये ग्लैंड चली जाए। तो R19 या R70, 80 बहुत ऐसी मार्केट में मेडिसिन आती है, ऑनलाइन अवेलेबल होती है, इसके वीडियोस बनाते हैं। डेफिनेटली अपना ऐसा ही ट्राई होता है कि भाई दवाइयों से मिट सकता है तो क्यों सर्जरी करनी चाहिए, पर ये कभी भी दवाइयों से नहीं मिट सकता है। तो अगर आपको पहले ये बात समझ लो कि कोई गंभीर बीमारी नहीं है गायनेकोमेस्टिया, इससे आपको फ्यूचर में कभी भी कोई कैंसर हो, कोई साइड इफेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप ऑपरेशन कराओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन नहीं कराओ तो भी दुनिया में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो पहले इस बात से घबराइए मत, पहले इस बात से डरिए मत कि गायनेकोमेस्टिया एक गंभीर बीमारी है, मेरे को कुछ हो गया है। साइकोलॉजिकली पेशेंट लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, डेफिनेटली कई बार ये आपको महसूस होता है, पर आपको ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन है तो पास के कोई भी अच्छे प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाइए और उनको पूछिए कि सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पर दवाइयों में क्या है, कई बार 3-3, 4-4 हजार रुपए की दवाइयां ले लेते हैं एंड रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता है। तो डेफिनेटली आप इसमें 1 रुपया भी बर्बाद मत कीजिए दवाइयों में। अगर आपको बॉदर कर रहा है तो ही उसके ट्रीटमेंट कराओ, बॉदर नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं कराओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पेशेंट को क्या होता है, कई बार खुले में शर्ट निकालने में, टाइट टी शर्ट पहनने में, स्विमिंग करने जाने में दोस्त लोग चिढ़ाते हैं, कई बार मैरिज के बाद पेशेंट को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है हस्बैंड वाइफ के साथ, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार एलोपैथी में कई बार लोग बोलते हैं कि टैमोक्सिफेन जो होती है वो एंटी कैंसरस ड्रग होती है, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर को मिटाने के लिए ये ड्रग होती है, तो उससे आपको इफेक्ट होगा, आपको फायदा होगा, पर उससे भी पेशेंट को कोई फायदा नहीं होता है। तो बेसिकली ये क्या है, टैमोक्सिफेन हार्मोन को ब्लॉक करती है। थियोरेटिकली आपको शायद फायदा हो सकता है पर प्रैक्टिकली कोई पेशेंट को आज तक फायदा नहीं हुआ है। तो आप इसमें पैसे, समय और आपका मन बर्बाद मत कीजिए। आपको तकलीफ है तो कोई भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए, वो आपको गायनेकोमेस्टिया सर्जरी से ऑपरेट करेंगे। 1.5 से 2 घंटे का प्रोसीजर है, पेशेंट शाम को घर जा सकता है, 2nd-3rd डे से उसका ऑफिस या रूटीन वर्क ज्वाइन कर सकता है। तो छोटा सा इंसिजन से हम यहाँ से करते हैं जिससे किसी को आइडिया ना आए, उसको सब एरियोलर मतलब सब मरीन जो होता है पानी के नीचे जो चलता है उसको सब मरीन बोलते हैं। ऐसे एरियोला जो होता है उसके नीचे का जो इंसिजन होता है उसको सब एरियोलर इंसिजन बोलते हैं, उससे हम ये सर्जरी करते हैं। बिल्कुल भी काम नहीं दिखता है एंड इसमें बहुत जरूरी है कि आप साइड का फैट निकालो, ये जो ग्लैंड होती है उसको सही मात्रा में निकालो एंड अपर पोल जो है उसका छाती का शेप, वी शेप जो होता है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन है तो आप हमारा क्लिनिक का कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड हमारी टीम आपको हेल्प करने की पूरी ट्राई करेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।